हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, बात करेंगे रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है उसका सेट नंबर 60 की बात करेंगे। 1 से लेकर 59 तक सेट अपन कवर कर चुके हैं, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। तो गाइज, सेट नंबर 60 के अंदर आप लोगों को पूरा देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैथ के 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पहली बार इस सेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो 59 सेट से अलग हट के आपके अलग लेवल के क्वेश्चन आपको सेट नंबर 60 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो गाइज, पूरा सेट देखिएगा ताकि आपको कुछ हट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और रेस्पॉन्स अच्छे से देते रहेगा, वीडियो को लाइक करते रहेगा, शेयर करते रहेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बना सकूँ। गाइज, सेट नंबर 60 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सभी घास वृक्ष है। तो गाइज, मैं बना लेता हूँ, ये तो हो गया घास, सभी के सभी घास वृक्ष है। तो गाइस, ये मेरा डायग्राम बन गया पहले स्टेटमेंट का, सभी घास वृक्ष है, मैंने डायग्राम बना लिया। कोई भी वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो गाइस ये वृक्ष है, मैं झाड़ी का लक्ष्य बना लेता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि कोई भी वृक्ष है झाड़ी नहीं है। तो मैंने गाइस यहाँ से बना के इसको यहाँ से काट दिया है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी वृक्ष झाड़ी नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं गाइस, कोई घास झाड़ी नहीं है। तो गाइस, ये तो आपका घास है और ये झाड़ी है, तो क्या घास और झाड़ी नहीं है क्या? क्योंकि देखिएगा, वृक्ष ही झाड़ी नहीं है, तो घास झाड़ी भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्रॉस बता रहा है और ये भी कह रहा है कि नहीं है। यानी पहला स्टेटमेंट, पहला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ झाड़ियाँ घास है। तो कहा ये झाड़ियाँ और घास है, क्या झाड़ियाँ घास होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि बीच के अंदर ही आ गया क्रॉस, कोई भी झाड़ी घास नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर ओनली आपका निष्कर्ष 1 फॉलो करता है। आंसर देख लेते हैं गाइस, क्या यहाँ पे आंसर निकल के आता है। ओके गाइस, तो देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, और अपने भी ये कहा था कि ओनली 1 ही फॉलो करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ऑप्शन में से गाइस सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ में क्वेश्चन को आप भी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक एक पल में ही हो जाएगा। देखते ही देखिएगा गाइस, 21, 22, 23 यहाँ पर आ जाएगा अपना 24, यह देखिएगा 37, 36, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 35। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, कहाँ पे स्थित है? गाइस, भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थित है? गाइस ऑप्शन देख लीजिएगा, चारों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब, फर्स्ट हाईटेक फॉरेंसिक लैब कहाँ पे? गाइस, तो गाइस इसका आंसर बन जाएगा आपका दिल्ली के अंदर। गाइज, जो फॉरेंसिक लैब है उसका नाम क्या गाइज? एक का नाम तो है NCFL, ठीक है गाइज, इसकी मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। नेशनल, एन का मतलब हो जाएगा नेशनल, सी का मतलब यहाँ पे गाइज हो जाएगा साइबर फॉरेंसिक लैब, समझ गए, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब हो गया। एक और है गाइज जिसका नाम है CYPAD, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है गाइज आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए। ये भी एक फॉरेंसिक लैब है जिसका नाम है साइबर, CY का मतलब साइबर, पी का मतलब प्रिवेंशन, एक का मतलब गाइज होते हैं अवेयरनेस, लिख लीजिएगा चाहे एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्रिवेंशन अवेयरनेस, और डी का मतलब यहाँ पर डिटेक्शन, तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है गाइज, ये साइबर लैब है, ये फॉरेंसिक लैब है, हाईटेक फॉरेंसिक लैब है, और गाइज इनका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जो 2014 वाली मोदी सरकार थी उसके अंदर होम मिनिस्टर कौन थे? राजनाथ सिंह जी थे। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह जी प्लस जो दिल्ली है, दिल्ली के जो LG है अनिल बैजल, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो भी बताई है हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाने वाली। पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब जिनका नाम NCFL, CYPAD है, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब, और साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन, और इनका जो उद्घाटन हुआ नई दिल्ली के अंदर होता है, राजनाथ सिंह गृहमंत्री थे उस टाइम, और अनिल बैजल जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है गाइज, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं किया हो जिसने भी, ये सिंपल सा गाइज, इसको स्किप भी मार सकता हूँ मैं चाहो तो, आप कर लीजिएगा इसको, ये इस तरीके से कवर हो जाएगा। इसमें क्या लॉजिक है देखिए गाइज, ये दो ब्लैंक है, ये दो डार्क है, ये दो ब्लैंक है, तो डार्क के सामने गाइज यहाँ पर डार्क कर दीजिएगा, तो डार्क इसमें आ रहा है ओनली, आपके इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ठीक है गाइज, डार्क के सामने आपके दो ब्लैंक आएंगे, तो यहाँ पे दोनों ब्लैंक आने चाहिए। तो देखिए ये तो डायग्राम ही उल्टा आ रहा है, तो डार्क के सामने आपका ये दोनों ब्लैंक आ गए, यानी ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, और ये भी देखिएगा डार्क के सामने डार्क आना चाहिए, तो ये नहीं है उसका, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, तो इसको तो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये देखिएगा गाइज, आप लोगों को हट के क्वेश्चन देखने को मिल गया। ओके गाइज, इस क्वेश्चन में क्या की गाइज, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए,
कैलकुलेशन आपको थोड़ी यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, बाकी कोई उपाय नहीं है। गाइज यहाँ पे आपको क्या दे रखा है देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। इन आंकड़ों में अनुपस्थित बारंबारता अक्ष को ज्ञात कीजिएगा। दिया गया है कि समांतर माध्य आपका 28 है। गाइज इन सब का जो समांतर माध्य वो आपको 28 दे रखे हैं और आपको अक्ष की वैल्यू निकालनी है। तो गाइज समांतर माध्य हमेशा क्या होता है, देखिए गाइज इन संख्याओं को मैं अक्ष दे दूँ, जो लाभ है इन सभी को अक्ष तो यहाँ पे आ गया, चलो मैं इनको और कोई संख्या दे देता हूँ। चलो लाभ तो गाइज इसको मैं पी से लिख देता हूँ, प्रॉफिट है तो इसको मैं पी से रख दिया, और गाइज दुकानों की संख्या है इनको मैं एन से लिख देता हूँ। ठीक है गाइज क्लियर है। अब देखिए गाइज मेरा जो आएगा यहाँ पे समांतर माध्य, तो गाइज समांतर माध्य का मेरा फॉर्मूला बन जाएगा समांतर माध्य इक्वल टू समेशन ऑफ पी है, और ये गाइज मेरे को पी और एन का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, मेरे को पी और एन निकालना पड़ेगा। तो समेशन पी इंटू एन अपॉन में समेशन एन, समझिएगा समांतर माध्य मेरे को निकालना है। सिंपल सा गाइज इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, ये होता है आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैंने इसको पी माने, चाहो तो आप इसको अक्स मान सकते हो और इसको एफ मान सकते हो। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये अक्स आ गया इसलिए मैंने यहाँ पे अक्स नहीं माना। तो समझ रहे हो आप क्वेश्चन को, मेरे को ये निकालना है समेशन पी एन अपॉन में समेशन एन, या इससे निकालोगे, चलो आप कन्फ्यूजन हो रहे हो, मैं इस अक्ष को ए रख देता हूँ, चलो मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है गाइज, चलो मैं इस अक्ष को ए रख देता हूँ, क्योंकि अपन एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर फॉर्मूला पढ़ते हैं समांतर माध्य इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, हम एग्जाम में 10th तक समस्या ज़्यादा इसको पढ़ते हैं। तो गाइज मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, समझिएगा ए की वैल्यू निकालनी है, अक्ष को मैंने ए रख दिया, क्लियर है। देखिएगा सबसे पहले गाइज ये मेरा हो गया अक्स, ये हो गया मेरा एफ, तो यहाँ पे मेरे को पहले तो अक्स कैसे निकालूंगा, देखिए गाइज 10 का मैं 5 हो जाएगा, 20 और 10 30 का आधा 15 हो जाएगा गाइज, 30 20 50 का 25 हो जाएगा, 40 30 70 का गाइज 35 हो जाएगा, और 40 50 90 का 45 हो जाएगा आधा, और 60 5 110 का आधा 155 110 का 55 हो जाएगा, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। अब गाइज ये एफ मेरे को दे रखा है, तो एफ अक्स कैसे निकलूंगा गाइज, 5 को और 12 को मल्टीप्लाइड करूंगा, तो यहाँ पे मैं एक इंडेक्स और बन जाएगी मेरे पास, 12 को और 5 को मल्टीप्लाइड किया मैंने 60, 18 को और 15 को मल्टीप्लाइड करूंगा तो 18 5 90 और 8 9 27। ओके गाइज इसी प्रकार से मैं 27 को और 25 को मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो गाइज 25 7 175 असला की 17 50 ये हो जाएगा मेरे पास 675। 35 को गाइज मैं ऐसे मल्टीप्लाइड करूंगा तो 35 ए आएगा मेरे पास में, और इसको कर लेते हैं 17 5 85 असल 8, 17 चौक 68 8 76 और ये हो गया 56 30, ये हो जाएगा 330। अब गाइज मेरे को इन सब का ऐड करना है, तो ऐड कैसे करना गाइज, देखिएगा ऐड करने का तरीका है, सबसे पहले बड़ी संख्या को ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि ये 200 होगी 6, ये 2 8, 8 7 15, 15 3 18, तो गाइज सम करूँगा तो एक तो आ जाएगा मेरे पास में 1800। फिर गाइज मैं इस संख्या को ले लेता हूँ, देखिएगा 6 6 7 13 13 7 13 7 हो गया मेरे पास में 20, 20 से 6 26, 26 से 3 26 से 3 29, तो गाइज 290 कर दिया। अब लास्ट वाले डिजिट को जोड़ता हूँ, लास्ट है क्या यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया 10, इन सबको जोड़ लिया मैंने तो ये हो गया 2100। तो गाइज इसका सम कितना बनेगा, 2100 प्लस में 35 है। ठीक है गाइज, ये तो मेरे पास में आ गया समेशन एफ एक्स, और समेशन एफ कितना आएगा गाइज, यहाँ पे आएगा समेशन एफ मेरे पास में आ जाएगा, इनको जोड़ूँ 12 और 18 बन गया 30, 30 और 20 50 और 10 60, 60 70 80 बन जाएंगे, 80 प्लस ए। अब इसमें रख देता हूँ मैं समांतर माध्य मेरा है 28, 28 इक्वल टू गाइज समेशन एफ एक्स मेरे पास में आ गया 2100 प्लस में 35 है अपॉन में 80 प्लस ए। ए क्या है मेरा, समझ गए होंगे आप, ए क्या है मेरा अक्ष की जगह है। ठीक है, ए की मेरा अक्ष की जगह, अब इनको गाइज मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँगा तो 28 इंटू 80 प्लस 28 इंटू ए इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 2100 प्लस 35 है। अब गाइज देखिएगा ये तो 35 है और 28 से कैंसिल हो गया मेरे पास में आ जाएगा इधर तो 7 है प्लस 2100 इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 80। अब गाइज देखिएगा 7 का भाग जा रहा है इसमें, 7 से कैंसिल होगा, 7 का यहाँ पे चला गया 3 बार और 7 का यहाँ पे गया 4 बार, तो 80 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 4 हो जाएगा मेरा 832 320 इक्वल टू 300 प्लस ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में ओनली 20। तो गाइज यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला जो लॉजिक है वो आप लोगों को समझा दिया गया है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू या जो अक्ष की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 20, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए गाइस, ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा हट गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए गाइस, समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये भी हटके क्वेश्चन है, पहली बार आया है ऐसा। पानी की एक टंकी में पानी निकालने के लिए 3 नल PQR लगाए गए हैं। नल P 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, ये 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है। क्यों 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है और R है 20 मिनट में 2 बाल्टी भरता है। सभी नल खोल दिए गए और टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में खाली होता है। यदि 1 बाल्टी में 10 लीटर पानी आता तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए गाइस, सबसे पहले P की बात कर लेते हैं। गाइस पी आपका 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, पी आपका 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, तो 60 मिनट में कितने भरेगा? 60 मिनट में वो भरेगा 4/24 × 60। 4 का इसमें गया 6 बार, 6 का इसमें गया 10 बार, यानी पी आपका 60 मिनट का मतलब समझ गए होंगे आप, 1 घंटे के अंदर कितनी बाल्टी भरेगा? 10 बाल्टी। ये लॉजिक समझ में आ गया। ये 24 मिनट का दे रखा था, मैंने इसको 60 मिनट में बदल दिया 1 घंटे का निकालने के लिए। पी 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, तो 60 मिनट या 1 घंटे में बदलेगा, भरेगा 4/24 × 60, यानी 10 बाल्टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस पी आपका 60 मिनट में भरेगा 10 बाल्टी। क्यों का दे ही रखा है, क्यों 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है, तो क्यों का डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्यों 1 घंटे के अंदर 8 बाल्टी भरता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे को। आर 20 मिनट में 2 बाल्टी भरता है, तो 60 बनाने के लिए इसको 3 से कर दूँ, इसको 3 से कर दूँ, तो गाइस आपका जो आर है वो 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरेगा? आर भरेगा आपकी 1 घंटे में 6 बाल्टी। समझ गए होंगे 6 कैसे आए। यदि 20 मिनट में 2 भरता है तो 60 मिनट में भरेगा वो 3 × 2 = 6। क्लियर है? अब देखिए गाइस, अगर मैं तीनों को एक साथ खोल दूँ, तीनों को एक साथ खोलूँ, तो तीनों 1 घंटे में कितना भरेंगे? 8, 6, 14, 10, 24 बाल्टी। ठीक है गाइस, तीनों 1 घंटे में 24 बाल्टी भरेंगे, और तीनों 2 घंटे में, 2 घंटे में भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं वो देख लीजिएगा, अब एक ही बात है। ठीक है गाइस, तो 2 घंटे में कितने करेगा वो? 24 × 2 यानी 48 बाल्टी। तो गाइस सभी के सभी एक साथ खोल दिए जाए तो 2 घंटे के अंदर वो कितनी बाल्टियाँ खाली करेंगे? वो खाली करेंगे गाइस आपकी 48 बाल्टी, और 1 बाल्टी की कैपेसिटी आपके पास में 10 लीटर है, तो 1 बाल्टी की 10 लीटर है, तो 48 बाल्टी की कितनी कैपेसिटी हो जाएगी? 48 × 10 यानी 480 लीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, सबका 1 घंटे में बदल दिया और फिर इसको 2 घंटे का करके अपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर देख लेते हैं, यही आ रहा है क्या? 480, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं गाइज। सभी अक्रिय गैस अणु होते हैं। गाइज अक्रिय गैस की बात करें, अक्रिय गैस को नोबल गैस बोलते हैं, और आपका जो ग्रुप नंबर 18 होता है या आपका जो ग्रुप नंबर 0 होता है, जिसकी वैलेंसी हमेशा 0 होती है, जिसके अंदर आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेंडोन ये सब तत्व होते हैं, इनकी हमेशा सिंगल एलिमेंट होता है, इनके अंदर ओनली सिंगल एलिमेंट होता है। तो देखिए गाइज, डाई एटमिक का मतलब जैसे कि ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर 2 एटम हो गए। ट्राई एटमिक का मतलब जैसे कि आपका ये हो गया, आपका ओजोन हो गया। तो हमेशा ये तत्व क्या होते हैं? ओनली 1 परमाणु को होते हैं, आपका मोनो एटमिक होते हैं, सब सिंगल एलिमेंट है। आंसर बन जाएगा यहाँ पे, सिंगल एटम से मिलके बनती है आपकी अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको गाइज मैं स्किप कर दूँ क्योंकि सेट नंबर 60 तक पहुँच गए, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सी अपने को डेफिनेशन चाहिए इसके बारे में। किसी भी आंकड़े में माध्य से विचलनों का योग हमेशा क्या होता है? माध्य से विचलनों का योग का मतलब है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है गाइस, जैसे कि आपको एक्स कोई डाटा दे दिए 2, 3, 4, 5, 6, इनका मैं एक्स बार निकालूँ, एक्स बार का मतलब इन सब का मैं एवरेज निकालूँ, जैसे कि 6, 4, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20 में किसका भाग दूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग दूँ तो 4 आ गया। ठीक है गाइस, 4 आ गया, एक्स बार की वैल्यू 4 आ गई, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ सबकी जगह एक्स बार की वैल्यू 4। एक्स माइनस एक्स बार कितना आ जाएगा गाइज? 2 में से 4 घटाऊँ तो माइनस का 2, 3 में से 4 घटाऊँ तो माइनस का 1, 4 में से 4 घटाऊँ तो गाइज 0, 5 में से 4 घटाऊँ तो 1, 6 में से 4 घटाऊँ तो 2। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अब आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है माध्य से विचलनों का योग। माध्य से विचलनों का योग का मतलब होता है इन सब का योग कितना बनेगा। ये है आपका एक्स माइनस एक्स बार, ये आपका कहलाता है माध्य से विचलनों का योग। इनको जोड़िएगा, देखिए क्या आता है, माइनस के 3 और ये प्लस के 3, हमेशा 0 आता है। तो हमेशा गाइस ध्यान में रखिएगा,
माध्य से विचलनों का योग होता है आपका हमेशा जीरो। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। माध्य से विचलनों का योग, तो ये जो आपका माध्य हो गया, माध्य से विचलन हो गया अक्ष माइनस अक्ष बार, इनका योग हमेशा जीरो आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये भी आपका हो जाएगा गाइज, सिंपल सी कैलकुलेशन। आपको यहाँ पे 10 45 की वैल्यू एक रख दीजिएगा प्लस कोस 30 की वैल्यू रख दीजिएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कोस 30 आपका साइन 60 ही होता है। तो सिंपल सा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ओनली 2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कम से कम 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा, तभी NTPC ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट होंगे। रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो कैसे स्टार्ट होंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। काफ़ी सिंपल है, लिक्विड से सॉलिड में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं क्या, बताइएगा फ्रीजिंग कहते हैं क्या। लिक्विड को सॉलिड में जमाओगे, पानी का बर्फ बनाओगे तो फ्रिज में रखोगे, फ्रीजिंग कहलाता है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। वाष्पीकरण ये नहीं होता, ऊर्ध्वपातन क्या होता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन होता है डायरेक्ट बर्फ से यदि गैस बनती है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड बनती है तो उसको कहते हैं अपन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है तो उसको कहते हैं अपन ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हमेशा पानी की बात करें तो गाइस उसका जमाव बिंदु हमेशा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पानी का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर दीजिएगा गाइस। क्या आंसर बनने वाला क्वेश्चन नंबर 47 का, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। गाइज गुलजारी लाल नंदा आपके 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं और दोनों ही बार वो 13-13 दिन प्रधानमंत्री रहे हैं, कार्यकारी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा 2 बार। कौन रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा, कब कब रहे हैं गाइज वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे एक तो आपका आंसर बनता है जवाहरलाल नेहरू, एक बनता है आपका लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे गाइज यदि दूसरी बार पूछा है तो दूसरी बार के लिए बनेगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, पहली बार आ जाता है यहाँ पे तब आपका आंसर बन जाता है जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी गाइज 1964 के अंदर तब आपके गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन, और जब गाइज 1966 के अंदर फिर से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तब आपके प्रधानमंत्री बने थे गुलजारीलाल नंदा। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरी बार है तो आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, पहली बार होता तो आंसर हो जाता जवाहरलाल नेहरू। अब आंसर देख लेते क्या आंसर है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, अलग हटके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइज, आज वाले के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का। 15,600 के मूल्य के एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया जिनके वजन आपके इस रेशियो के अंदर है। नग का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है, मूल्य में हुई प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिएगा। गाइज सबसे पहले उसका वेट कितना है वो देखते हैं, वेट कितना है सबसे पहले, 5, 3, 8, 2, 10 वेट। गाइज ये रेशियो है तो मैं डायरेक्ट वेट कर दूँ, 10 अक्स कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं किया, 5, 3, 8, 2, 10 अक्स कर दिया मैंने। तो हमेशा जो प्राइस है, प्राइस कितने गज, 15,600 प्राइस होगी, 15,600 किसके समानुपाती है, ये हमेशा वजन के घन, तो वजन कितना है आपका 10 अक्स का घन कर दिया मैंने। तो गज जो 15,600 है वो आपका किसके बराबर हो गया, 5, 3, 8, 2, 10 अक्स का क्यूब कर दिया मैंने। तो गज ये हो जाएगा 15,600 हो जाएगा 1000 अक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगी मेरे पास में, और 15.6 आ जाएगा मेरे पास में अक्स क्यूब की वैल्यू, 10 आके 0.8 बन जाएगा, यहाँ से मैंने अक्स क्यूब की वैल्यू निकाल ली। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज, अब इनका मैं अलग अलग करता हूँ क्योंकि टुकड़ों में टूट गए तो उनकी वैल्यू भी तो निकलूंगा ना। अगर 2 के अनुपात में बदला है तो 2 अक्स हो गया, 3 में बदला है टूटा है तो 3 अक्स हो गया, 5 के अनुपात में टूटा है तो 5 अक्स हो गया। अब इनका मैं क्यूब करूँ, अब प्राइस निकालता हूँ, अब प्राइस निकाल के मैं क्यूब करता हूँ, तो देखिएगा प्राइस कितनी हो जाएगी, 2×2=4, 4×2=8 अक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3×3=9, 9×3=27 अक्स क्यूब, 5×5=25 अक्स क्यूब। इन सबको गाइज मैं ऐड कर लूँ तो कितनी प्राइस बनेगी, तो कितनी प्राइस आ जाएगी, 27×8=35, 35×2=125 बन जाता है 160 अक्स क्यूब। ठीक है गाइज, अक्स क्यूब की वैल्यू मेरे पास यहाँ से रही, समझिएगा अक्स क्यूब की वैल्यू मेरे पास यहाँ से रही, तो 160 × 15.6 पॉइंट का मैं 10 लगा दूँ, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा,
तो 16 × 156। टूटने के बाद पहले गाइज उसकी वैल्यू थी 15,600, अब उसकी वैल्यू आ गई 16 × 156। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया वो चीज़ समझिएगा। सबसे पहले इसके अंदर ये अपन मान लेते हैं इस रेशियो के अंदर वो टूटा है, तो पहले ही वो कितना वेट था उसका, उसका था 10x वेट था। तो 10x का मैंने क्यूब किया, 10x का मैंने यहाँ से क्यूब करके इस वैल्यू के बराबर रखे, मैंने एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल ली। अब गाइज ये तो मैंने कंबाइंड वेट मान लिया, माना कि ये कंबाइंड वेट आ तब तक इसकी प्राइस ये थी। अब ये टुकड़ों में टूट गया, टुकड़ों में टूटने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इसका मैंने क्यूब किया, इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया, टुकड़ों में टूटने के बाद में उसकी वैल्यू बनती है 16 × 156। अब इसको मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ, 16 × 156 को आ जाएगा 16 × 96, असल लगी आपकी 9, 16 × 5 = 80, 80 × 9 आपका 89, फिर से 8, 16 × 8 2496। अब गाइस देखिएगा अब यहाँ से अपना आंसर आएगा। पहले वो क्या कह रहा था, पहले उसका मूल्य था 15,600, अब उसका मूल्य हो गया 2496। क्वेश्चन पूछ रहा कि मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना करूँ, तो प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, 15,600 - 2496 अपॉन में 15,600 × 100 ये आएगी। तो गाइज 15,600 में से 2496 घटा लेते हैं कितना बचेगा गाइज। सबसे पहले अपन 15,000 में से ये घटा लेते अपन, 15,000 इसमें से घटा लेते अपन, 10 में से 6 गया आपका 4 बच जाएगा, इसमें से 9 में से 9 गया आपका 0 बच जाएगा, 10 में से 6 गए 4 हो गए, 9 में से 9 गए 0 बच गए, यहाँ पे आपका बचा 5, 5 में से 4 गया 1 बच गया, और यहाँ पे 3 बच जाएगा और 1 बच जाएगा, सही है। जोड़ करके देख लेते हैं, 6 × 4 = 10 असल रेक, 9 × 1 = 10 असल रेक, 4 × 1 = 5 = 6 सही है, और 3 × 2 = 5 = 1 सही है। अपन में 15,600, 2 0 कैंसिल हो गया। अब 156 का जिसमें आपको भाग देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपका आंसर आने वाला है। इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा आप गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि वरुण दक्षिण दिशा की ओर 4.5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा में गया 4.5 किलोमीटर और दाईं ओर मुड़ता है, पहले वो 4.5 किलोमीटर जाता है फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर पहुंचता है और उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर ये होगी उसकी बाईं ओर, और 5 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, उसने कितनी दूरी तय की, तो दक्षिण में पहले तो 4.5 चलता है फिर 5 चलता है, तो 5 + 4.5 यानी 9.5 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को मैं इसके मारते हुए चलता हूँ, सॉल्व करने के लिए अपने पास में इतना स्पेस नहीं है, और इस क्वेश्चन को आप भी एंड में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी मिस्टेक लग रही है, फिर भी आपको लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मेरा आंसर गलत आ रहा है, आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं, एक आदमी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो गाइज ये 5 किलोमीटर आपका चलता है पूर्व की ओर, पूर्व इधर ही है, फिर वह 120 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, तो गाइज इस तरीके से मैं मैप बना लेता हूँ। ओके गाइज, यहाँ से ये तो हो गया आपका 90 डिग्री, ये तो हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया मेरा 30 डिग्री, 90 30 हो गया, ये 30 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 60। तो ये कह रहा है कि 120 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, तो ये पहले इधर था और अब इधर मुड़ गया, क्लियर है, 120 डिग्री घूम गया, ये आपका हो गया 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ चलता है आपका 5 किलोमीटर, वह फिर से 120 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, तो भाई 120 डिग्री घुमाते अपन, 60 तो ये रहा और इधर ही 60 और ले लेते हैं अपन, 60 और ले लेते हैं, क्यों, ताकि 120 बन जाए, 120 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, अब वो इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वह कहाँ है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये था, ठीक है, और अब इधर है, तो बताइएगा प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष वो कहाँ पर है गाइज, तो गाइज प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष तो उसकी डायरेक्शन किधर है गाइज, देखिएगा प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसकी डायरेक्शन किधर है, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, तो ये आंसर आना चाहिए उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम तो है नहीं इसमें, ये उत्तर हो गया ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम तो है नहीं, तो आंसर इसका आ रहा है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट कैसे गए, जैसे कि वो यहाँ से चला इधर गया, इधर गया तो वो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पे जाता है, ये तो नहीं बैठ रहा, इसका उत्तर पश्चिम ही आ रहा है, आप लोग देखिएगा, देखिए इसका आंसर यही आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी इस कैंडिडेट का यहाँ पे इसने नॉर्थ ईस्ट किया है,
उत्तर पश्चिम आना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन को और देखिएगा, देखिए आप इस क्वेश्चन में मिस्टेक किया क्या। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद हो गया, बार बार आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन में से कौन सा मिल गलत है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको अपन धवन सोडा कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं साइन। Na2CO3 को अपन धवन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल कहते हैं साइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH आपका, इसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं। मैं कोशिश करूँगा गाइस आपको इंपॉर्टेंट 40 या 50 क्वेश्चन है उनके फॉर्मूले का भी वीडियो प्रोवाइड करूँ, और साथ ही साथ में उनका रासायनिक नाम या उनको अपन नॉर्मली किस भाषा में बोलते हैं वो भी आपको बताया जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH फॉर्मूला हो गया। सोडियम क्लोराइड आपका NaCl, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, सही है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको भुजावा चूना कहते हैं क्या? नहीं, भुजावा चूना किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट तो अपन किसको कहते हैं? चूना पत्थर को बोलते हैं, चूना पत्थर को अपन कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। भुजावा चूना किसको बोलते हैं? देखिए गाइस, एक तो होता है आपका बिना भुजा, एक तो होता है आपका बिना भुजा जिसको अपन CaO बोलते हैं, एक होता है भुजावा चूना जिसको बोलते हैं अपन CaOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन तो आप जिंदगी में बहुत बार रिएक्शन की होगी, चूना आप सफेदी करते हो घरों के अंदर, तो वो चूना लेके आते हो, चूने को आपने पानी में डाला, तो गाइस आप जो मार्केट से चूना लेके आते हो, चूने के जो डगड़ होते हैं उनको लेके आते हो, चूने के जो पत्थर होते हैं उनको बोलते हैं अपन बिना भुजा, उसका फॉर्मूला होता है CaO, और उसको आप मटके में डालते हो, पानी डालते हो, उसको आप मटके में डालते हो, पानी डालते हो, ये पानी डाल दिया आपने, तब आपकी जो रिएक्शन बनती है उसमें क्या बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस बनता है, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ये रिएक्शन तो आप बहुत बार कर चुके होंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो ये जो CaO मार्केट से जो लेके आते हो वो है आपका बिना भुजा, ठीक है, और आपने मटके में पानी डाला, मटके में पानी डालते उसमें से पूरी हीट तो निकल जाएगी और ये आपका हो जाएगा भुजा हुआ चूना, ठीक है, जिसके साथ में पानी आ गया वो भुज चुका है, यानी वो भुजा हुआ चूना हो चुका है, उसका फॉर्मूला हो गया CaOH का होल ट्वाइस, बिना भुजा हो जाता है आपका CaO। अब इसमें देखिएगा, इसमें पानी आ गया, यानी अपन कह सकते हैं ये इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, बिना भुजा चूना इसको बोलते हैं अपन सेलेक्ट लाइम, ठीक है गाइस, और इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ये आपका होता है, इसको बोलते हैं अपन क्विक लाइम, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 53 की बात करते हैं, देखिए ऑप्शन में से असंगत को छांटिएगा गाइस, आप यहाँ पे देखोगे ओनली इसी का ये डाटा इंटरचेंज हो रहा है, एफ आई यहाँ पे जी यू जी आर ई आर इसी का चेंज हो रहा है, बाकी ऐसा किसी के अंदर रिलेशन नहीं है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 ये देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 वर्ष पहले माँ और उसके बेटे की 3 गुनी आयु थी, माँ को मैं एम से लिख देता हूँ, बेटे को मैं एस से लिख देता हूँ, तो मदर और सन का जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:1, 3 गुनी का मतलब 3:1, ये कब था आपका? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले को मैं -10 रख देता हूँ, 10 वर्ष बाद +10 कर देता हूँ मैं, 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाती है, तो ये हो गया 2:1, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। अब गाइस इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले इधर की साइड में देखिएगा कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 और 1 का डिफरेंस गाइस आपका आ गया 2 का 2 और 1 का डिफरेंस आ गया 1 का। इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूँ ताकि मेरा 2 बन जाए, इसको मैं किससे मल्टीप्लाइड करूँ, 1 से करूँ ताकि 2 बन जाए, बन गया। जब इसको मैंने 1 से किया है तो इसको भी 1 से करूँगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला, इसको भी 1 से करूँगा कोई चेंज नहीं आने वाला, इसको मैंने 2 से किया तो इनको भी मैं 2 से करूँगा, तो इसको गाइस मैं 2 से करता हूँ तो ये संख्या बन गई मेरे पास में 2, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो ये संख्या बन जाएगी मेरे पास में 4, ठीक है गाइस। अब डिफरेंस निकालिएगा, 3 में से 1 गए 2 आ गया, 4 में से 2 गए 2 आ गया, डिफरेंस बराबर आ रहा है। अब गाइस इधर से डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिएगा, ये 2 है और ये 1 है, 2 और 1 का डिफरेंस 1, इधर 4 और 3 का डिफरेंस 1, ठीक है, इधर देखिएगा 10 और 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। कैसे होएगा, क्योंकि एक तो ये जो 0 की लाइन है, एक तो इधर -10 है और एक इधर +10 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 और 10 20 हो गया, ठीक है, तो एक की वैल्यू आपके पास में आ गई 20, तो यहाँ पे आप 20 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा, यहाँ पे 20 से कीजिएगा, यहाँ पे 20 से कीजिएगा, यहाँ पे 20 से कीजिएगा, एक की वैल्यू आ गई, जो पूछे उससे आंसर निकाल लीजिएगा, तो ये तो हो जाएगा 20 या 60, मदर होगी 60 10 वर्ष पहले और सन हो गया 10 वर्ष पहले 20 का। क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्तमान आयु, तो गाइस 10 वर्ष पहले 60 है तो वर्तमान का मतलब इसमें 10 साल जोड़ दूं मैं, ये 10 वर्ष पहले था, वर्तमान के लिए मैं इसमें 10 जोड़ दूं तो ये तो 70 हो जाता है, इसमें भी 10 जोड़ूं तो ये हो जाता है 30, तो इनका रेशियो बन जाता है 70:30 या 7:3।
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, कृष्ण देवराय किस साम्राज्य के शासक थे? चेर, चोल, विजयनगर या पांडे? साउथ की बात हो रही है, साउथ के अंदर चलते हैं अपन, तो कृष्ण देवराय आपके विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। और इनका जो वंश था, जो शासक था, वो था इनका तुलावा डेंसिटी, तुलावा, तुलोवा या तुलावा इस तरीके से था। और ये थर्ड नंबर के थे गाइज, आंसर बन जाएगा विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है गाइज, बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 kg अधिक चीनी खरीद सकती है, चीनी का वास्तविक मूल्य याद कीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इसका। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा वास्तविक मूल्य पूछा गया है, तो नॉर्मल से एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे, वास्तविक मूल्य इक्वल टू प्रारंभिक, नहीं कमी, कमी हो रही है, कमी हो रही है तो गाइज 100 माइनस कमी रखिएगा, कमी हो रही है तो कमी अपन 100 माइनस कमी रखिएगा, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि अपन 100 प्लस वृद्धि रखिएगा, इंटू रुपये अपॉर में kg, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ठीक है गाइज। तो वास्तविक मूल्य यहाँ पे कमी हो रही है तो कमी की जगह 25/100-25 यानी 75 इंटू रुपये 30 रुपये अपॉर में kg, 1 kg, ये कैलकुलेशन करते हैं आंसर हो जाएगा 25 का भाग है इसमें 3 बार, 3 का इस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 10, तो वास्तविक मूल्य हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया गया है, वास्तविक मूल्य इक्वल टू कमी अपन 100 माइनस कमी इंटू रुपये अपॉन में kg, यदि वृद्धि होती तो फॉर्मूला बन जाता है आपका वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू रुपये अपॉन kg। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, 57 क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर इतने में बेची जाती है तो लाभ क्या कीजिएगा? इसको तो क्या सॉल्व करना, सिंपल सा है, इसका कर दीजिएगा 8000 × 25/100 तो 85/200 लाभ ज्ञात कीजिएगा। अच्छा अच्छा देखिएगा, ये आपका विक्रम मूल्य है, ये आपका विक्रम मूल्य नॉट क्रम मूल्य, ठीक है गाइज। अब देखिए सिंपल सा गाइज, क्रम मूल्य मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, या आप सिंपल सा गाइज इसको इस तरीके से कीजिएगा, 25% है तो 25/100 कर दिया मैंने, यानी 1/4 कर दिया, तो गाइज लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, नीचे हमेशा क्रम मूल्य लिया जाता है तो आपका क्रम मूल्य हो गया गाइज 4। देखिएगा लाभ हो रहा है तो एक तो हो गया लाभ, नीचे हो गया क्रम मूल्य, तो विक्रम मूल्य कितना बनेगा गाइज, विक्रम मूल्य कितना है, विक्रम मूल्य हो गया आपका 4 रुपये में खरीद रहा है, 1 में बेच रहा है, तो क्रम विक्रम मूल्य हो गया आपका 5, और गाइज विक्रम मूल्य 8000 दे रहा है, 5 की वैल्यू 8000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें भाग दे लेता हूँ तो 1600 की हो जाएगी, ठीक है, और एक का ही लाभ हो रहा है तो यहाँ पे मैं 1 का गुणा कर देता हूँ 1600, तो इसका आंसर बन जाएगा 1600। आंसर देख लेते हैं अपन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये भी कैलकुलेशन लंबी करवा देते हैं, ठीक है गाइज। अक्स अपन ने क्रम मूल्य मान लिया, इसको 25% लाभ में बेच रहे हैं, इसे भी कर सकते हो इक्वल टू कितने में बेच रहा, 8000 में, तो अक्स क्या निकला मैंने, क्रम मूल्य, ठीक है, तो अक्स इंटू 125/100, ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, 125 का 1000 में भाग जाता है गाइज 8 बार भाग जाता है, 1000 में 125 का भाग जाता है 8 बार जाता है, सही है, तो ये हो जाएगा आपका अक्स की वैल्यू 6400। अब देखिएगा क्रम मूल्य आपका आ गया 6400, विक्रम मूल्य आपका 8000, दोनों का आप डिफरेंस कर दीजिएगा, तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो 8000 - 6400 1600 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ क्या है? बाल एक प्रोटीन से मिले बने हुए होते हैं, बाल हो गए, अपने नाखून हो गए या सींग हो गए, ये सब किससे बने हुए होते हैं? ये सब एक प्रोटीन से बने हुए होते हैं और उस प्रोटीन का नाम होता है आपका केराटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, ये तो स्किप मार देता हूँ गाइज, कर लीजिएगा, कोई रूल नहीं है इसमें, तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 60, ये देखिएगा जिसमें लॉजिक लगाएगा, क्या लॉजिक बनेगा, देखिए ऑप्शन में से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्या आपका लॉजिक बैठता या नहीं बैठता। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, तो रॉन्ग नंबर क्या बनेगा गाइज, यहाँ पे डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस यहाँ पे निकालोगे आप कितने का बनेगा, यहाँ पे निकालिएगा, यहाँ पे निकालिएगा और यहाँ पे निकालिएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं गाइज, यहाँ पे 11 में से 7 गए 4 और यहाँ पे 8 में से 7 गए 1, यहाँ पे 7 में से 1 गए 6 और 10 में से 9 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 10 गया 1, यहाँ पे देखिएगा 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पे बच गया आपका 12 में से 11 गए 1, तो भाई यहाँ पे 14 आ रहे हैं, यहाँ पे 14 आ रहे हैं, कुल मिला के इसमें अपने का डिफरेंस बनेगा 14/14 का,
यहाँ पे 14 का डिफरेंस देखिएगा, चेक कीजिएगा, यहाँ पे 14 का कीजिएगा, यहाँ पे 14 का कीजिएगा, यहाँ पे 14 का करके देखिएगा। अगर गाइस मैं यहाँ पे 14 का करता हूँ तो ये संख्या कितनी बननी चाहिए, 119 में से 14 गए तो ये संख्या बननी चाहिए मेरी 105। 105 में से 14 घटाता हूँ तो 91 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, यानी 107 की जगह मेरा बनना चाहिए 105। तो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। ये कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में हैवी को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा गाइज, देखते हैं। देखिए गाइज, एच हो गया जी एच आई, इसमें एक बढ़ा दिया, इसमें माइनस दो कर दिया, फिर से एक बढ़ा दिया, फिर से यहाँ पे आपका माइनस दो कर दिया, ये रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिएगा क्यू है, क्यू में एक बढ़ाएगा आर हो जाएगा, यू में से माइनस दो कीजिएगा आपका एस आ जाएगा, आई में फिर से एक बढ़ाएगा आई के बाद में जी आ जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 स्किप कर रहा हूँ मैं, आप लोग कर लीजिएगा, इसको कर लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं है गाइस, ये जो 100 नंबर का सेट था मेरे पास में 62 क्वेश्चन है, बाकी देखेंगे अपन सेट नंबर 61 में नया पेपर स्टार्ट करेंगे गाइस। ये था अपना आज का सेशन सेट नंबर 60, आई थिंक आपको पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कम से कम 5 व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा, 5 दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिएगा ताकि अपन NTPC ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट कर सकें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।